नवरात्रि का चौथा दिवस हम आपको लेकर चल रहे हैं माँ सुनरहाई के दर्शन के। सराफा की गली नंबर 2 में विराजमान होती हैं माँ सुनरहाई। इस प्रतिमा के बारे में कहा जाता है कि सर्वप्रथम इस प्रतिमा को एक मुस्लिम परिवार ने स्थापित किया था, तब से ये प्रतिमा स्थापित हो रही है। दुर्गा उत्सव समिति सोना भाई इसका एक प्राचीन इतिहास है। इस वर्ष 48 में गौरव शादी 158 वर्ष पूरी कर 159 वर्ष में प्रवेश कर रही है। यह प्रतिमा इस शहर में जब अंग्रेजों के समय में केवल एक प्रतिमा बंगाली क्लब में रखी जाती थी, तब यह प्रतिमा यहाँ एक मुस्लिम परिवार द्वारा रखाई, इसका नाम नीर अहमद। उस समय अंग्रेजों के जमाने में प्रतिमा को ऐसे जैसे अपन भीड़ लगा के देखते हैं, इस प्रकार देखने नहीं मिलता था। वहाँ पे 5 मिलते थे और नहीं तो 10-11 जगह देखने मिलता। उनने जैसे ही वो मुनीर अहमद अंदर गए तो पुलिस वालों ने उनको खून मारा और उनको गुस्सा आई। उनने इतनी सी प्रतिमा कुआ है वहाँ पर प्रतिमा शहर के दशहरा तक समारोह का नेतृत्व 158 वर्ष हुए पहले नंबर से निकलती है। इस प्रतिमा बुंदेलखंड शैली की यह प्रतिमा है और इस प्रतिमा में जो भी आप स्वर्ण रजत के जेवर देख रहे हैं वो सब पास्ट के, कोई आर्टिफिशियल नहीं है। माता रानी के चरण कमल चांदी से निर्मित होते हैं, साथ ही साथ प्रतिमा बुंदेलखंडी परंपरा में बनाई जाती है। माता रानी को सभी जेवर सोने चांदी से मिलकर बनाए जाते हैं, साथ ही साथ कुछ बहुमूल्य हीरे भी लगाए जाते हैं। माँ सुनरहाई का रूप अनुपम और दिव्य है। कई वर्षों से निरंतर इसी रूप में माता विराजमान होकर नवरात्रि में समस्त भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता।